गर्भावस्था स्त्री के जीवन का सबसे विशेष समय होता है, जहां इस समय मन में नए मेहमान की आने की खुशी रहती है, वहीं हर पल चिंता भी लगी रहती है कि सब कुछ अच्छे से और सकुशल हो जाए। आज इसीलिए मैं आपको चरक संहिता के अनुसार तथा आज के विज्ञान के विशेषज्ञों की सलाह अनुसार गर्भावस्था में किन 30 मुख्य बातों का गर्भिणी को ध्यान रखना चाहिए वही बताने जा रही हूँ। आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आचार्य चरक के अनुसार पहली पंक्ति में गर्भिणी को बहुत कठोर, असुखद और असमतल स्थान पर नहीं बैठना चाहिए, अर्थात बैठते समय ध्यान रखे कोई समतल स्थान हो और जिसका नीचे से बैलेंस अच्छे से मजबूत हो वहीं पर गर्भवती बैठे। दूसरी पंक्ति, गर्भवती स्त्री को मल, मूत्र और उल्टी जैसे प्राकृतिक वेगों को नहीं रोकना चाहिए। जी हाँ, इनको रोकने से गर्भाशय पर दबाव पड़ सकता है और डकार आना, छाती में जलन होना, जी मचलाना जैसी समस्या हो सकती है। यूरिन को रोकने से यूरिन इन्फेक्शन की संभावना बढ़ जाती है, इसीलिए माता ध्यान रखे कि इन प्राकृतिक वेगों को समय पर ही करें। तीसरी पंक्ति अर्थात भारी श्रम या अनुचित व्यायाम शिशु के विकास पर प्रभाव डालता है। जी हाँ, आज ऑनलाइन बहुत सारे साधन हैं जहाँ हमें इसके लिए ज्ञान मिल जाता है, लेकिन गर्भावस्था में प्रत्येक स्त्री की शारीरिक और मानसिक अवस्था अलग अलग होती है, इसीलिए माँ अनुचित व्यायाम सिर्फ ऐसे ऑनलाइन देखकर ही ना करें, वो किसी योग इंस्ट्रक्टर के अंडर में ही करें तथा जिम या स्विमिंग जैसे कठिन व्यायामों को बिल्कुल ना करें। आचार्य चौथी पंक्ति में बताते हैं कि गर्भवती स्त्री को ज़्यादा मसालेदार, तीखा और अपाच्य भोजन नहीं करना चाहिए। इस प्रकार अनुचित खाने की आदत का असर बच्चे के पोषण पर पड़ता है। पांचवी पंक्ति में आचार्य कहते हैं गर्भवती स्त्री को पीठ पर लेटकर ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए। जी हाँ, माता को दूसरी तिमाही और तीसरी तिमाही में इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। जब आप सीधे लेटते हैं तो गर्भाशय पर दबाव पड़ता है, इसीलिए माता हमेशा बाई करवट लेटे और बाई करवट ही उठे। संभव हो तो अपने पांवों को घुटने से मोड़ ले और तब आराम करें। छठी पंक्ति में आचार्य कहते हैं सभी को ध्यान देना चाहिए गर्भवती के पेट पर किसी भी तरह का आघात ना हो, जैसे टकराना, गिरना या पीटना शिशु को बेहद नुकसान पहुंचा सकता है। अर्थात इस पंक्ति में विशेष गर्भवती के परिवार को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज ना हो जिससे गर्भवती के पेट को जरा भी नुकसान पहुंचे। आगे आचार्य बताते हैं कि गर्भवती माता को सदैव ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि तंग कपड़े बच्चे के रक्त संचरण पर असर कर सकते हैं। अर्थात आज के समय में माता को जीन्स, स्कर्ट्स या बहुत टाइट कपड़े नहीं पहनने चाहिए। साथ ही काले और लाल रंग के कपड़ों को भी उन्हें अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों ही रंग हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। इस समय माँ की बॉडी का टेम्परेचर वैसे ही ज़्यादा होता है और इस समय बॉडी के टेम्परेचर का ज़्यादा बढ़ना शिशु के विकास के लिए अच्छा नहीं होता। सातवीं पंक्ति में आचार्य कहते हैं कि इस समय माता को दूर जगह पर सफ़र नहीं करना चाहिए। आज के समय में भी माता को ध्यान रखना चाहिए कि अगर वो एयर ट्रैवल का प्लान कर रही है तो उसे अवॉइड करें, क्योंकि एयर ट्रैवल करते समय वायु का दबाव बढ़ जाता है जो शिशु तक पूरी ऑक्सीजन सप्लाई को अवरुद्ध करता है। इसके आगे आचार्य बताते हैं कि ऊंची आवाज़ सुनना, गर्भवती को ऊंची आवाज़ में बात करना, बहुत ज़्यादा शोरगुल में जाना, यह सब अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे भी हृदय की धड़कन बहुत तेज़ी से बढ़ जाती है। साथ ही आज के डॉक्टर्स जो हमें सलाह देते हैं वो कहते हैं इस समय स्त्री को भारी वजन नहीं उठाना चाहिए। अगर कोई भारी सामान कमर से नीचे की तरफ रखा है तो उसे उठाते समय अपने घुटनों को मोड़ा जाए, ना कि सीधे ही उसे झुक के उठाया जाए। बहुत देर तक खड़े भी नहीं रहना चाहिए। अगर आपका कोई ऐसा काम है जैसे टीचर्स का, प्रोफेसर का, जहां आपको लंबे समय तक खड़े रहना पड़ता है, तो बीच बीच में थोड़ी देर ज़रूर बैठे, वरना वेरिकोज वेन्स का प्रॉब्लम हो सकता है। पहले 3 महीने में सीढ़ियाँ कम से कम चढ़ें, और अगर आपका घर कोई ऐसी जगह है जहां आपको सीढ़ियाँ चढ़ना ही पड़ता है तो गर्भवती माता बहुत ध्यान से चढ़े। इस समय पैक्ड फूड बिल्कुल भी ना खाएं।
आगे कहते हैं कि अपने डॉक्टर के बिना सलाह के कोई भी दवा ना ले। जी हाँ, आज सभी तरह की बीमारियों का इलाज ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन फिर भी माता को गूगल करने की बजाय अपने डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही दवाई लेनी चाहिए। इस समय वो तनाव से दूर रहे। आगे बताते हैं कि मोबाइल फ़ोन का भी ज़्यादा इस्तेमाल ना करें। मोबाइल फ़ोन में भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस निकलती हैं जो बच्चे के विकास को प्रभावित करती है। दिन भर संभव ना भी हो तो कम से कम रात में मोबाइल फ़ोन को खुद से दूर रखकर ही सोएं। गर्म पानी से ना नहाएं या फिर बाथ टब में बहुत गर्म पानी भरकर उसमें कभी ना बैठें। नहाते समय सबसे पहले माँ अपने पैरों पर पानी डालें। अपने सिर पर पानी कभी भी सबसे पहले ना डालें। इस समय ज़्यादा कॉफ़ी, ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी या फिर सोडा ना पिए। इस समय माता बहुत तेज सुगंध वाली जगहों पर ना जाएं। घर पर नया पेंट ना करवाएं या जहाँ कहीं नया पेंट हुआ है वहाँ भी जाने से अपने आप को बचाएं, क्योंकि स्मेल के द्वारा वो केमिकल आपकी बॉडी के अंदर जाते हैं और आपके बच्चे तक भी पहुँचते हैं जो बिल्कुल अच्छे नहीं होते। इस समय माँ कोई भी ऐसा खेल या गेम ना खेले जिसमें ज़्यादा उछल कूद हो या फिर गिरने का डर हो। इस समय माँ उपवास ना करें या फिर कोई भी तरह से कम ना खाएं। वे हमेशा पर्याप्त मात्रा में ही खाना खाएं। इस समय माँ ज़्यादा फ्रूट जूस भी ना पिए। वैसे तो गर्भावस्था में फ्रूट्स और जूस अच्छे बताए जाते हैं, पर ज़्यादा फ्रूट जूस पीने से बॉडी में शुगर लेवल बढ़ जाता है और कई बार माता को गर्भावस्था में डायबिटीज़ की भी शिकायत हो जाती है। इस समय माँ ऊंची हील वाली चप्पल ना पहने, हमेशा समतल और एक बैलेंस स्थल वाली चप्पलें ही पहने। अपने आप को ईर्ष्या, द्वेष, क्रोध और नकारात्मक चिंतन बढ़ाने वाली बातों से हमेशा दूर रखें। इस समय पानी अच्छे से पीजिए, अपने आप को काफ़ी हाइड्रेटेड रखिए। अच्छे से पानी पीना भी बहुत सारी बीमारियों से इस समय माँ को बचाता है। गर्भवती स्त्री को डिस्को, डीजे, डरावनी, मारधाड़, हिंसक फिल्में देखने व सुनने से भी अपने आप को बचाना चाहिए। गर्भावस्था में धूम्रपान और शराब पीना सख्त मना होता है। हमारे सभी शास्त्र एक मत से शाकाहारी भोजन अपनाने की बात करते हैं, अतः गर्भावस्था में माँ को विशेषकर मांसाहार त्याग देना चाहिए। माँ के विचार और भावनाओं का असर गर्भस्थ के मन पर पड़ता है। गर्भवती माँ जैसा सोचती है, जैसा खाती है, जैसे रहती है, उन सभी का प्रभाव गर्भस्थ पर पड़ता है, क्योंकि बालक की रचना उसके हृदय से होती है, उसका पोषण उसके रक्त और शक्ति से होता है। इसीलिए गर्भधारण करने वाली माँ एक हष्टपुष्ट, स्वस्थ, हसमुख और दिव्य संतान को जन्म दे। इसीलिए माता को अपना विशेष ध्यान रखना चाहिए।